कहाँ रहता है? यही घर है भाई। ये तुमने क्या किया? जिनके रहमो करम पर हम जी रहे थे उन्हीं को धोखा दिया तुमने। मालिक मुझे मार दो मालिक, मीरा रेड्डी ने मुझे लालच दिया था, मैं अन्ना हो गया था मालिक, मुझे मार दो। मां दादी मर रही है फिर भी उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा हाल पूछा, तुम्हारे समीर ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका। वासु वीरा रेड्डी जेल से बाहर आ गया, उसकी हालत खराब हो गई होगी। आ गया, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? क्या वो कोई मर गया? ये तेरी बंदूक है, तुझे क्या लगता है राजनीति करना सिर्फ तुझे आता है क्या? मैं भी कर सकता हूँ। तेरी बंदूक तेरे ही आदमी ने मुझे ला कर दी है। अगर बुरे लोग वाकई अच्छाई को खत्म कर पाते ना तो अच्छे लोग दुनिया में होते ही नहीं, लेकिन वो ऊपर बैठा है, दादी को कुछ नहीं होने देगा। मैंने तेरे कॉलेज में ड्रग्स रखवा कर तेरा कॉलेज एक दिन के लिए बंद करवा दिया, तेरी समझ में भी नहीं आया? देखता क्या है, तूने खुद जमीन हड़प कर वो कॉलेज वहाँ बनाया था। क्या कह रहा है तू? 1943 में तेरे बाप ने इसी गाँव के एक जमींदार से 22 एकड़ जमीन खरीदी थी और उसके सारे कागजात मेरे पास है। उस जमीन के पास एक झील थी जो सूख गई और तेरे बाप ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर खेती करने लगा। यहाँ के अफसरों को घूस खिलाकर अपनी पहुँच का फायदा उठाकर तूने ये कॉलेज 65 एकड़ की जमीन पर बनाया है जिसमें वो झील भी शामिल है। लेकिन तूने एक बड़ी गलती कर दी, कॉलेज तूने झील की जमीन पर बनाया और ग्राउंड अपनी जमीन पर, मतलब कॉलेज की मेन बिल्डिंग गैर कानूनी जमीन पर खड़ी है। अगर मैं ये बात एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कलेक्टर को बता दूं ना तो सिर्फ 3 दिन के अंदर तेरा कॉलेज बंद हो जाएगा और कॉलेज की आड़ में चलने वाले तेरे सारे काले धंधे भी खत्म हो जाएंगे। बकवास बंद कर तू। मैंने पुलिस, विजिलेंस, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, CID सबको तेरे पीछे लगा दिया है, अब बस एक डिपार्टमेंट बचा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो लोग भी कल आ जाएंगे। बकरियां मारना गुनाह नहीं है लेकिन जानवर का शिकार करना गैर कानूनी है और तूने कई जानवर मारे। hey, किसने कहा तुझे? hey, सबको पता है, दीवार पर लगी तस्वीरें और तेरी बीवी के इंटरव्यू ने पोल खोल दी, दिखा इसे। अच्छा ये बताइए, आपकी दीवार पर इतने सारे जानवरों की सींग क्यों है और वो आदमी कौन है जो बंदूक लिए खड़ा है? ये सब किसने किया है? ये सब मेरे पति ने किया है, वो ना एक नंबर के शिकारी हैं। शेर की गुफा में घुसकर शिकार करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले शिकार करते हैं, उसके बाद ना ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर से शिकार पे निकल जाते हैं। पता है छोटा हो या बड़ा हर जानवर का शिकार करते हैं। पिछली बार ना उन्होंने एक हाथी को मार गिराया था, मेरे वो ना मिसाल और मिसाइल दोनों हैं। अगर ये इंटरव्यू टीवी पर आया तो तू और तेरा पूरा परिवार जेल जाएगा। तू हर डिपार्टमेंट को जवाब देते देते परेशान हो जाएगा, भूल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट से सच कहना है और किससे झूठ, ये तक भूल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा सच कहा था और कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा झूठ कहा था। वीरा रेड्डी ना अपनी बीवी पर भरोसा कर पाएगा ना अपने गुंडों पर, तेरी सोच जहर बनती जाएगी और तू खुदकुशी कर लेगा, अगर नहीं कर पाया तो किसी अपने का खून करेगा, फिर खून का इल्जाम लगेगा और तू जेल में सड़ेगा, लेकिन जेल तो तू जाएगा। मुझे एक दिन का वक्त दे। किस लिए? सुधरने के लिए। सुधरने के लिए कोई एक दिन की मोहलत नहीं मांगता। क्या बात है बल्ली? वेलू एक जरूरी बात है, वीरा रेड्डी के आदमी ने दादी को जहर दे दिया, उनकी हालत सच में बहुत नाजुक है, तू जल्दी यहाँ आ जा भाई। ये तू किससे बात कर रहा था? बता ना किससे बात कर रहा था तू? वेलू से बात कर रहा था। झूठ बोल रहा है? वेलू तो यहीं पे है, बोल किससे बात कर रहा था, सच बता, बता किससे बात कर रहा था। मैं सच बताता हूँ। सच बता। घर पर जो है वो वासु है। वासु? सारी गलती इस लड़की की है। तू तो चल निकल यहाँ से। ए लड़की, अब निकल यहाँ से। तू वेलू को हमसे अलग करना चाहता है? तू ही सारे फसाद की जड़ है। अरे तू 5 दिन के साथ निकला, तुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। देख क्या रहे हो, सबको निकालो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, हमने वेलू के लिए क्या नहीं किया और तूने सब बर्बाद कर दिया। ज़बान संभाल कर बात कीजिए। यहाँ अगर हमारे हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया तेरी तो बहुत हो गया, आपको कोई हक नहीं इनको हाथ लगाने का। तुम चुप हो जाओ वासु, जब देखो ये वेलू 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 करते रहते हैं पर तुम लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, किसी ने भी उसके हाथ से हथियार छुड़ाया है। अपनी जुबान पर काबू रखो। वासु ने इतना बड़ा खतरा इसलिए मोल लिया है ताकि उसके भाई के हाथ से हथियार छूट सके और तुम लोग इसे ही बाहर निकाल रहे हो। इसने आज तक वेलू को तुम लोगों से अलग करने की कोशिश नहीं की, आप लोग उसे अपना मानते तो उसके हाथ से हथियार छुड़ा चुके होते, तुम सबने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे रखा है। अगर वो तुम्हारा अपना खून होता तो उसे रोक देते, लेकिन तुमने तो उसे सड़क से उठाया था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें किसने दिया यह हक? निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गो।
स्वाति रो क्यों रही हो? मैंने डांटा इसलिए। तो फिर क्या तुम्हारे लिए लड़ना मेरा हक नहीं है? ए, मेरा वो मतलब नहीं था। माना ये सब हथियार लेकर घूमते हैं, लेकिन मन के बहुत अच्छे लोग हैं। जब एक लड़का भी किसी लड़की को अपना लेता है ना, तो उसका साथ कभी छोड़ता नहीं है। जो भी होगा मिलके सामना करेंगे। फिलहाल तुम चेन्नई चली जा अपने परिवार के पास। अपन ही फंसेंगे भाई। भाई टिप मिली है, वासु हमें वेलू बनकर अब तक धोखा दे रहा था। पूरा किस्सा समझा? मुझे तो उस पर तभी शक हो गया था जब उसने तलवार के बदले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। भैया शांति। देखिए दादी को क्या हो गया। आइए भैया, देखिए ना। ये सब मेरी गलती है। भैया आप दादी से बात कीजिए। वीरा रेड्डी को चिता में लेटाने के बाद ही मैं घर आके दादी का चेहरा देखूंगा। भैया रास्ते से। भैया रुकिए, भैया रुक जाइए। हमारे पास काफी सबूत हैं। वीरा रेड्डी के खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। जो चीज मेरी नहीं हुई किसी और की भी नहीं होगी। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया। अब पूरे गांव में चिताएं जलेंगी। हमने जो एक्शन लिया है उस पे वीरा रेड्डी की क्या रिएक्शन है उस पे ध्यान रखना होगा। फैक्ट्री के जितने भी वर्कर हैं उन्हें बोलो सेकंड शिफ्ट में आने के लिए। शिफ्ट शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही धमाका होगा। धमाके की आवाज सुनते ही पूरा गाँव फैक्ट्री की तरफ दौड़ेगा। अपने आदमियों से कहना वेलू के घर में बच्चा बूढ़ा जो दिखे काट डाले। गांव में कोई भी हलचल हुई तो मुझे अपडेट कर देना। हो सकता है अपने आदमी थोड़ा रहम खा जाएं। बाहर से गुंडे मंगवाओ, आज मौत का नंगा नाच होगा। कुछ दिन और सबर करो लक्ष्मी। इससे ज्यादा सबर मैं नहीं कर सकती। वहाँ जाकर मैं उससे पूछूंगी आखिर अपनी माँ के पास आने से कौन मना करता है। चलिए ना मेरे साथ। वीरा रेड्डी निकल। वीरा रेड्डी कहाँ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब दादी माँ कैसी है? ए बासु, अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। आज तुझे मेरे असली रूप से रूबरू कराऊंगा। तेरे गांव का हर परिवार मातम मनाएगा, लेकिन तेरा परिवार मातम नहीं मनाएगा, क्योंकि तेरे परिवार में मातम मनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तुझ में जासूसी का बहुत बड़ा कीड़ा है ना? पता लगा बॉम्ब किधर है, जा। वासु मैं अपने गांव के पास ही हूँ। गांव में कोई गड़बड़ हो रही है क्या? शुगर मिल के पास दो चोर मिले थे, उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। वो लोग कहाँ के? वो दोनों अपने गांव के नहीं थे। वो शुगर मिल में क्या कर रहे थे? ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। शुगर मिल से कोई क्या चुराएगा, वहाँ कैश तो रखते नहीं है। वहाँ तो सिर्फ शक्कर होगी, उनके पास चोरी का सामान हो सकता है। मिल में इतनी सिक्योरिटी है, वो दोनों इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे? मैंने पता लगा लिया है भैया, हमारे गाँव से शुगर फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई नहीं गया है। और जो गए हैं वो दोपहर की ड्यूटी वाले थे। सबको एक शिफ्ट पे बुलाने की क्या वजह होगी? वासु मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है उन्हें जानबूझ के इकट्ठा किया जा रहा है। एसपी ने इजाजत दे दी है, शायद एसपी से तुम्हारे चीफ ने बात की होगी। हाँ। जाओ इंक्वायरी कर लो। तुम दोनों बाहर के हो क्या? हाँ, हाँ। नाम क्या? आशीष। राजेश। सच सच बताओ यहाँ किस लिए आए थे? क्यों आए थे यहाँ? बोलो। सब बताता हूँ। शुगर मिल में बॉम्ब है, जल्दी करो, बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दो। हा? जल्दी गाड़ी निकालो। वेलू एक बहुत जरूरी काम है। अब क्या चाहिए तुझे? जल्दी जल्दी खाली करवाओ। बाहर चलो, बाहर चलो, जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो। सुनो, अरे वीरा रेड्डी ने फैक्ट्री में बम लगा दिया है। चलो फैक्ट्री की ओर, चलो चलो फैक्ट्री की ओर, चलो। फैक्ट्री में बम लगा दिया।
हेलो बल्ली, अभी के अभी फोन लेकर छत पर जा। अरे क्या हुआ? जो बोल रहा हूँ वो कर। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हमें हमारा खोया हुआ बेटा चाहिए, उसे हमें दे दीजिए माँ जी। भगवान राम की माँ अपने बेटे से 14 साल दूर रही, लेकिन मैं जल्दी बाहर 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 ऊपर जाओ, सबको बाहर निकालो जल्दी। हाँ हाँ अभी देख कर बताता हूँ। वेलु वेलु, सामने वाली गली से दो आदमी आ रहे हैं। बल्ली चारों तरफ नजर रखना, फोन कटना नहीं चाहिए। आयशा, शंकर अन्ना के घर के पीछे दो आदमी छुपे हुए हैं। अय्यप्पा के घर के बगल में दो लोग छुपे हुए हैं।